हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है सेवा आयोजन पोर्टल से संबंधित। दोस्तों, सेवा आयोजन पोर्टल पर आप लोग आवेदन के लिए सिलेक्ट करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार का नोट लिख के आता है। मैं बताऊंगा ये किस लिए लिख के आ रहा है और जो आपकी वैकेंसियां शो नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं। दोस्तों, इसमें लिखा है नोट में, कृपया रिक्तियों को देखने के लिए कम से कम एक फिल्टर का चयन करें। दोस्तों, इसमें जो फिल्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि आपकी शैक्षिक योग्यता, सेक्टर, किस सेक्टर में जॉब कर है आपकी, और क्या वेतन सीमा है, जिला, विभाग। दोस्तों, आपको इसमें से किसी एक का चयन करना होगा। दोस्तों, इसमें आप लोग जो मोस्टली चयन करें वो आप वेतन कीजिए। आप लोग वेतन को 10,000 से 20,000 के बीच में रख कर वैकेंसियाँ को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें वैकेंसियाँ खुलने लगी हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। और दोस्तों, जो अभी 20,000 से अधिक वाली हैं तो आपको उसमें 20,000 से 30,000 के बीच में सिलेक्ट करना। अभी कई स्टूडेंट के पोर्टल पर वैकेंसियां शो नहीं हो रही हैं। दोस्तों, उन्होंने जब अपनी प्रोफाइल बनाई थी उसमें अपना वेतन सीमा जो रखी है, अगर आप उससे कम ज़्यादा करेंगे या फिर आप ज़्यादा सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पोर्टल पर नहीं शो होगी। वही वेतन सीमा शो करनी है। दोस्तों, आपको वही वेतन सीमा चयन करनी है जो आपने अपने प्रोफाइल में सेट करके रखी है। दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिए कि आपको कैसे आपकी वैकेंसियां शो होंगी। दोस्तों, अभी इसमें जो आपकी अगर डिप्लोमा से या फिर स्नातक या फिर किसी अन्य से सिलेक्ट करते हैं तो वैकेंसी शो होके नहीं आती है, नॉट फाउंड लिख के आता है। दोस्तों, क्योंकि अभी डिप्लोमा से संबंधित वैकेंसियाँ नहीं हैं और इस रेंज में, तो इसलिए आपके नॉट फाउंड लिख के आ रहा है। दोस्तों, मैं एक ऑप्शन और बताऊंगा जिससे कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं कि आपके पोर्टल पर वैकेंसी शो नहीं हो रही है। आप लोगों को डायरेक्ट वैकेंसी पे जाकर आवेदन कर दें। मेन साइट पर जाएंगे, उसके बाद आप लोग आउटसोर्सिंग जॉब पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी वैकेंसियां ये ओपन होके आने लगेंगी। दोस्तों, आप लोगों को अगर आवेदन करना है तो आप लोग इस पर सीधे जाकर आवेदन करें पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि ये आपको वैकेंसी 35 नंबर पे दिख रही होगी, सूर्या इंटरप्राइजेस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की। दोस्तों, मैं आपको इसमें आवेदन करके दिखाता हूँ आपको आवेदन कैसे करना है डायरेक्ट। दोस्तों, आपके पोर्टल पर वैकेंसी नहीं शो हो रही है तो आप लोग मेन सीधा डायरेक्ट पोर्टल पर जाकर जहाँ सारी वैकेंसियाँ ओपन हो रही हैं उस पर जाकर आप लोग सीधे आवेदन कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है आवेदन करें, जैसा कि मैंने कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह डालना है, फिर आप लोग लॉगिन कर देंगे, उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी मेरी प्रोफाइल से मैच नहीं हो रही है, इसमें जो क्राइटेरिया मांगा गया है वो मेरी प्रोफाइल में नहीं है, इसलिए दोस्तों इसमें लिख के आया कि आप रिक्त के सापेक्ष नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका जो क्राइटेरिया है आपकी प्रोफाइल से फुल मैच हो रहा है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग आवेदन इन दो माध्यमों से कर सकते हैं और आप लोग ट्राई कीजिए। दोस्तों, अभी जो सेवायोजन पोर्टल पर वैकेंसियां काफ़ी कम हैं जो डिप्लोमा से संबंधित है, केवल आपकी एक वैकेंसी चल रही है जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की है। दोस्तों, इसमें जो आपका एक्सपीरियंस का फील्ड मांगा गया है वो आपका आईटी से संबंधित है। इसको देख लीजिए, मुझे आशा है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सेवायोजन पोर्टल से संबंधित। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें मेरे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।